हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, आज आपके लिए मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ इंडिया आर्मी से। ओपन रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, उसके लिए मैं वैकेंसी आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर अगर आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं तो इस सीधी भर्ती में आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि GD के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई परीक्षा नहीं होने वाली, एकदम ओपन रैली है, सीधी भर्ती है, बहुत ही बड़ी भर्ती है। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे थे एक बड़ी भर्ती का आर्मी में, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है आर्मी में शामिल होने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आर्मी में नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक यह वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। साथियों, हम आ गए हैं चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट www.yournewdirection1.com पर। यहाँ से हम सारी अपडेट लेंगे। वैकेंसी आ रही है आर्मी में, आप देख पा रहे हैं आर्मी रैली दानापुर बिहार ऑनलाइन फॉर्म 2019, यानी कि बिहार में यह रैली होने जा रही है। और यह रैली की जो डेट है वो 2 सितंबर से 15 सितंबर यहां पर रखी गई है, ठीक है। इसका पूरा एड्रेस भी यहां पर आप देख पाएंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पूरा एड्रेस है, इस जगह पर यह रैली होने वाली है। तो इस एड्रेस को आप पूरा नोट कर लीजिएगा, यहीं पर यह रैली होगी, यहीं पर आपको जाना होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोस्ट के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोल्जर टेक्निकल का है, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि सोल्जर GD का है, GD का है, और यहाँ पर सोल्जर क्लर्क का है, स्टोर कीपर का है, और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का है, और यहाँ पर सोल्जर ट्रेड्समैन के पद रखे गए हैं। ओपन रैली है, ऑनलाइन आवेदन इसमें आपको मांगे गए हैं, दानापुर बिहार से वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो बिहार मेल कैंडिडेट आवेदन यहाँ पर देखिए सब कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट अगर देखी जाए तो अप्लीकेशन 4 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, 4 जुलाई से आप आवेदन कर पाएंगे, और लास्ट डेट रखी गई है 17 अगस्त 17-8 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और एडमिट कार्ड आप 19 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के बीच में डाउनलोड कर पाएंगे, 19 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के बीच में आप सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और रैली आपकी होगी 2 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो रैली में आपको शामिल होना होगा, लेकिन उससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी रहेगी। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से आप समझ लीजिए, इसी डेट ऑफ बर्थ के बीच के उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर GD के लिए आवेदन करते हैं तो 1-8-1998 से 1-4-2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, याद रखिएगा 1-8-1998 से 1-4-2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके सिवा, GD के सिवा अन्य जिस भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे, वहां पर आपको 1-8-1996 से 1-4-2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आप आवेदन करिएगा। अब यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। अगर आप सोल्जर टेक्निकल के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर 10+2 पास होना अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश पास होना अनिवार्य है। टोटल सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए, जो मैंने भी आपको 4 सब्जेक्ट बताए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, सभी में 50% मार्क्स कम से कम अलग अलग होने चाहिए। मिनिमम उम्र सीमा यहाँ पर इस पद के लिए 17 साल 6 महीने होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 साल उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सोल्जर टेक्निकल ए या AE की, यहाँ पर आपको 10+2 पास चाहिए, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट में 50%, टोटल में 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का चाहिए या ITI से हों आप। मिनिमम उम्र 17 साल 6 महीने, मैक्सिमम 23 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए इस पद के लिए। नेक्स्ट का जो पद है वो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का, यहाँ पर आपको 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश से। सभी में आपको 50% मिनिमम अंक होने चाहिए और टोटल में 40% होने चाहिए। इसके सिवा आपको बीएससी डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस या इंग्लिश हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम 17 साल 6 महीने उम्र सीमा, मैक्सिमम 23 साल उम्र सीमा होनी चाहिए इस पद के लिए आपकी। सोल्जर जनरल ड्यूटी, इस पद के लिए ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो इसको समझ लीजिए केवल आपको हाई स्कूल पास चाहिए। यहाँ पर 45% मार्क्स टोटल होने चाहिए और हाई स्कूल पास अगर आप हैं, मिनिमम 45% हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। 17 साल 6 महीने कम से कम उम्र और मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा पद भी इसी पोस्ट के लिए हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो केवल आपको 8वीं पास चाहिए। यहाँ पर स्टोर कीपर और मेस कीपर की यहाँ पर वैकेंसी साथ में होगी। 17 साल 6 महीने मिनिमम उम्र और मैक्सिमम आपकी 23 साल यहाँ पर उम्र रखी गई है। सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास चाहिए, 60% मार्क्स के साथ चाहिए रहेगा। आपको कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मिनिमम आपकी 17 साल 6 महीने उम्र, मैक्सिमम 23 साल अगर आप उम्र है तो आप सोल्जर क्लर्क के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। इसमें चूंकि ये भर्ती आर्मी की है तो फिजिकल भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। तो देखिए फिजिकल में रनिंग में आपका जो सोल्जर आप टेक्निकल या सोल्जर टेक्निकल एई या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं इन तीन पदों के लिए, तो आपको 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा। अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना और रहेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन हैं जैसे कि पुशअप है यहाँ पर आपका 10, ठीक है, पुलअप है 6 यहाँ पर, और 9 फीट के डिस्टेंट है ये आपको क्वालिफाई करनी है, जिगजैग बैलेंस है, ये सब चीज़ें आपको क्वालिफाई करनी है। ये सभी के लिए सेम है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे कि आप 10 पुलअप आ रहेगा तो यहाँ पर 40 मार्क्स है, ठीक है, 6 पुशअप पे आपको देखिए 16 मार्क्स है, तो ये अलग अलग है, ये सभी के लिए सेम रहेगा। तो ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको अंक ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हाइट और चेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सोल्जर टेक्निकल एई, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, इन चार पदों के लिए आप आवेदन करते हैं तो मिनिमम आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका नॉर्मल 77 फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक। और अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट मिनिमम 76 फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए आप आवेदन करते हैं तो हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर मिनिमम, चेस्ट आपका 77 फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये अलग अलग पोस्ट का हाइट और चेस्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। तीन स्टेप आपको क्वालिफाई करने होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप फुल नोटिफिकेशन इंटरव्यू के बारे में भी देख पाएंगे। सैलरी आपको 45,000 तक की यहाँ पर आपको मिल सकती है। अगर आप इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए तो यहाँ पर पहले आप क्लिक किए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद आप लॉगिन करके उस फॉर्म को पूरा अप्लाई कर दीजिए। फुल नोटिफिकेशन यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, अदर सरकारी नौकरी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करिएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा। और इस तरह से आपको जब ये दिखेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि ये यहाँ पर इनका जो साइड है इस वजह से स्लो रहती है तो ये प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा इस पर, और एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पर आप अनसेव पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये साइड इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इस कैप्चर कोड को डाल देना है, तो मैं आपको कैप्चर कोड भी यहाँ पर डाल के दिखा दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पर 52 और 7272 और उसके बाद 762, ये इतना आपको डालना है कैप्चर कोड और इंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। मोबाइल से भी आप आवेदन कर लेंगे, इसको इस तरह से डेस्कटॉप मोड पे लगा लीजिएगा और इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आवेदन करना है।
और कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुँचे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।